अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अदनान की शादी कितनी फेमस है, कितनी जोर शोर से, कितनी धूमधाम से हो रही है, सुर्खियों में चल रही है। अदनान की जो अदनान 07 जो फेसबुक की टीम है पहुँचेगा नाम, और अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो आप लोग जानते ही हैं, मैं जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं मेरे जानते ही हैं कि सब मुस्लिम है, ये सब हराम है, म्यूज़िक वगैरह तो एकदम ही हराम है। ठीक है, आपने शादी की है इस तरीके से, अच्छा है, आपकी मर्ज़ी है ये, लेकिन प्लीज़ आप एक ये हो सके तो अदनान को चाहिए कि छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंचाए कि उसने ऐसे शादी की, उसके पास शोहरत है ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनका क्या, लोगों के दिल में जो गलत ख्याल आए, मतलब सॉरी जो लोग हैं इनकी शादियों को देखकर लोगों के दिल में ऐसा होता है ना कि मेरी भी शादी ऐसी ही हो, ऐसे धूमधाम से, पर पैसों की वजह से वो नहीं कर पाते, पर और वो यू नो शादी डिले होती रहती है और गलत वे में जाते हैं, गलत रास्ते पर लोग जाता है, तो यहीं से लोग जो इन्फ्लुएंसर है, जो जितने भी मुस्लिम इन्फ्लुएंसर है उनको चाहिए कि वो जितने भी मुस्लिम इन्फ्लुएंसर है उनको चाहिए कि वो जैसे मुनव्वर हैं, अभी फैजू की शादी होगी, तो उन लोगों को चाहिए कि मतलब लोगों को एक ऐसा मैसेज पहुंचाए कि लोग उनसे फ़ायदा, मतलब उनसे लोगों को फ़ायदा हो। उनके उनके घर में कुछ वैसे ही डिस्टर्बेंस हो रही है, उनकी बहन जो है सोशल मीडिया पे आई थी, वो भी बता रही है कि उनको भी शादी में नहीं बुलाया गया, और उनकी बहन से उनके कुछ बनते नहीं है, कुछ झगड़े हो गए हैं, और बहन अब जो है बहन पे वो केस भी किए थे, और इस वीडियो में आप पूरा आगे देख लीजिए कि बहन के खुद बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या अदनान भैया उनके भैया ने अदनान ने उनके साथ क्या क्या किया, आप लोग खुद देख